बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान जो हमेशा से लाइमलाइट का कारण बने रहते हैं, तो वहीं हाल ही में सलमान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई और वो ये है कि सलमान को फिल्म एक था टाइगर के प्रमोशन के दौरान अनुसूचित जाति के अपमान के आरोप में राजस्थान में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें अब उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमे पर रोक लगा दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में दर्ज मुकदमों पर भी रोक लगा दी। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। दरअसल एक शब्द का गलत इस्तेमाल करने पर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को भारी पड़ गया। तो वहीं वाल्मीकि समाज ने सलमान और शिल्पा की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। सलमान टाइगर जिंदा है के प्रमोशन के दौरान अपने एक डांस के टैलेंट को नापते हुए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।